जीरे गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा में पेरेंट ओरिएंटेशन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। 3 दिन तक चलने वाले पेरेंट्स ओरिएंटेशन कार्यक्रम की शुरुआत 6 अप्रैल को विद्यालय परिसर में की गई। इस ओरिएंटेशन में नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के अभिभावकों व छात्रों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर जीरे गोयनका ग्रुप के डायरेक्टर श्रीमती भारती शर्मा व मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा के सीनियर डिप्टी कलेक्टर श्री गौरव शंकर, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अंशुल चंद्रा ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। जीरे गोयनका ग्रुप डायरेक्टर श्रीमती भारती शर्मा ने जीरे गोयनका ग्रुप की विशेषताओं व शिक्षण तकनीकों का जिक्र किया कि किस तरह से जीरे गोयनका ग्रुप पिछले 26 सालों से उच्च स्तर की अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान कर रहा है। मुख्य अतिथि सीनियर डिप्टी कलेक्टर श्री गौरी शंकर ने छात्रों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए यह बताया कि किस प्रकार हमारे जीवन में करिकुलर एक्टिविटी हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 17 एकड़ के विशाल कैंपस में फैले जीरे गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा में छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व, मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक का विकास करने की क्षमता है। सीनियर डिप्टी कलेक्टर श्री गौरव शंकर के अनुसार बिहार में कुछ ही ऐसे स्कूल हैं जो इस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा एवं सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं और जीरे गोयनका दरभंगा में इनमें से एक है। उन्होंने कहा कि जीरे गोयनका स्कूल का बैगलेस कॉन्सेप्ट अपने आप में एक अनोखा एवं नया कॉन्सेप्ट है। श्रीमान गौरव शंकर ने सभी अभिभावकों से यह अनुरोध किया कि वह अपने बच्चों से यह न पूछे कि उन्हें बड़े होकर क्या बनना है, बल्कि यह पूछे कि प्रत्येक दिन उनके बच्चों ने क्या नया सीखा है। मुख्य अतिथि सीनियर डिप्टी कलेक्टर गौरव शंकर की धर्मपत्नी श्रीमती अंशुल चंद्रा ने लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जिज्ञासा लड़कियों में ही होती है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम लड़की को समान लड़कियों के भी क्षेत्र में भागीदारी करने के अवसर दें, ताकि वह अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से निखार पाए। जीरे गोयनका दरभंगा के चेयरमैन एवं प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि वे दरभंगा के बच्चों को सबसे अच्छी व उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के अपने लक्ष्य को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखेंगे। विद्यालय प्रधानाचार्य श्रीमती केसर पटेल ने स्कूल के कार्य प्रणाली, छात्र छात्राओं की मूल्यांकन विधि एवं शिक्षकों का परिचय कराते हुए पेरेंट ओरिएंटेशन कार्यक्रम की समाप्ति की। हॉस्टल के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिलाते हुए कैंपस प्रमुख रोशनी डिसूजा ने हॉस्टल की फैसिलिटी के बारे में सभी प्रकार की जिज्ञासाओं को शांत किया। इस विद्यालय का संचालन डीलाही के पोरिया में किया जा रहा है। राजीव सर, द स्लाइड विद द टीचर्स नेम्स आर देयर। आई जस्ट क्विकली इंट्रोड्यूस द टीचर्स टू यू सो दैट यू नो हु इज द टीचर ऑफ योर क्लासरूम। आवर वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स वसुधैव कुटुंबकम। व्हाट इट मींस इज होल वर्ल्ड इज अ बिग फैमिली। अब इस ग्लोबल वर्ल्ड में हम सभी अपना एक पहचान बनाना चाहते हैं, एक अपना छाप छोड़ना चाहते हैं, और इसके लिए हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है। जैसे मेरे भी इंट्रोडक्शन में आपने सुना होगा, मैंने विकास विद्यालय से 10th किया, तो कुछ स्काइप नहीं किया होगा, और जैसे ही आपने सुना होगा कि मैंने सिम्बायोसिस से MBA किया है, तो कुछ स्काइप किया होगा। हाँ, सिम्बायोसिस एक प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है, एक ब्रांड है, और जीडी गोयनका कहीं ना कहीं 28 ईयर से एजुकेशन सेक्टर में है और एक ब्रांड, अपना एक ब्रांड बनाया है। और जीडी गोयनका इंस्टीट्यूट में अभी जैसा कि मैडम ने बताया, मोर देन 150+ स्कूल्स हैं एंड देयर आर मोर देन 150,000 अल्मा मैटर। सो ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग, मैं ये कहूँगा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है जीडी गोयनका ग्रुप की। तो ये फर्स्ट सेशन है, पेरेंट्स के मन में कहीं ना कहीं कंसर्न होगा कि ये तो पहला सेशन है, बच्चा कैसा करेगा, नया नया स्कूल है, ये सब चीज़ दिमाग में चलते रहती है। पर आपको ये भी सोचना होगा कि ये इंस्टीट्यूट का एक 28 साल का प्रेस्टीजियस हिस्ट्री है। इस न्यूज़ के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित। डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक,
सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना।